क्या आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में कई अज्ञात ग्रह हैं? आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी ग्रह की यात्रा पर निकलेंगे जो अपनी अद्भुत विशेषताओं के लिए जाना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौर मंडल में कितने राज छिपे हैं? क्या हम जानते हैं कि क्या क्या अद्भुत चीजें हमारे चारों ओर हैं? आज हम एक ऐसे ग्रह की खोज पर निकल रहे हैं जिसे वैज्ञानिकों ने ज़ेनोथर का नाम दिया है, जो हमारी पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है, एक अदृश्य ग्रह है। पिछले दो दशकों में वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कई रिपोर्टें और थ्योरियां तैयार की हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में एक ग्रह है या केवल एक दुष्प्रभाव? हमने ज़ेनोथर से अजीब सिग्नल प्राप्त किए हैं। ये सिग्नल केवल एक विशेष समय पर आते हैं। क्या ये किसी प्रकार का संवाद हो सकता है? हमारे पास कुछ नए उपकरण हैं जो हमें ज़ेनोथर का बेहतर अध्ययन करने में मदद कर सकते हैं। अगर हम इसे ठीक से समझ सकें तो यह हमारे ज्ञान की सीमाओं को बढ़ा सकता है। ज़ेनोथर के बारे में कहा जाता है कि यह एक अदृश्य वातावरण में स्थित है। जो लोग इसे देखना चाहते हैं उनके लिए यह एक वास्तविक चुनौती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इसके चारों ओर एक मजबूत ग्रेविटेशनल फील्ड है जो इसे देखने में कठिनाई पैदा करता है। हालांकि हमारा इरादा इस ग्रह का अध्ययन करना है। हम सभी जानते हैं कि एक अदृश्य ग्रह को देखना और समझना आसान नहीं है, लेकिन क्या हम इसके रहस्यों को उजागर कर पाएंगे? जैसे जैसे हम ज़ेनोथर की ओर बढ़ते हैं, हमें यह सोचना होगा कि क्या यह केवल एक वैज्ञानिक खोज है या हम किसी नई दुनिया की खोज कर रहे हैं। आइए इस अदृश्य ग्रह की खोज पर निकलते हैं। क्या हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। ज़ेनोथर, एक अदृश्य ग्रह जो अपने रहस्यों से भरा हुआ है। लेकिन यह केवल एक ग्रह नहीं है, यह एक जीवंत दुनिया है जो हमें अपने अद्भुत विशेषताओं से चकित करती है। आइए जानते हैं इस ग्रह के कुछ रहस्यमय पहलुओं के बारे में। यहां की झीलें, जिनका रंग नीला है, केवल खूबसूरत ही नहीं बल्कि उनके भीतर जीवन के संकेत भी छिपे हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें विशेष प्रकार के जीवाणु हो सकते हैं जो अपने आप में एक नया इकोसिस्टम बना सकते हैं। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे जीव मिलेंगे। ये जीव पानी में चमकते हैं जैसे तारों की तरह। क्या ये अन्य ग्रहों पर भी पाए जा सकते हैं? क्या हम इनसे कुछ सीख सकते हैं? ज़ेनोथर के पर्वत अद्भुत हैं। ये पर्वत इतने ऊंचे हैं कि उनके शिखर अक्सर बादलों से भी ऊपर होते हैं। लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वह है इसकी सतह। यह एक अदृश्य परत से ढकी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक प्रकार की ग्रेविटेशनल फील्ड है जो किसी को भी इसे देखने से रोकती है। और अब आइए बात करते हैं इस रहस्यमय संरचना की। इसे ज़ेनोथर का मंदिर कहा जाता है। यह किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं जो हमें यह समझाते हैं कि यहां जीवन पहले भी था। इसके अंदर की दीवारों पर लिखाई और चित्रकारी देखी जा सकती है। क्या यह किसी प्रकार का संदेश है? क्या यह चित्रकारी हमें ज़ेनोथर की प्राचीन सभ्यता की कहानियों के बारे में बताती है? शायद ये जीव जो हम देख रहे हैं उनके पूर्वज हैं। क्या हम उनके ज्ञान को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? एक और दिलचस्प बात, ज़ेनोथर पर हर कुछ घंटे में अजीब तारे गिरते हैं। ये तारे एक अदृश्य ऊर्जा के साथ आते हैं। क्या ये ऊर्जा ग्रह के जीवन को प्रभावित करती है? क्या हम इसका उपयोग कर सकते हैं? ज़ेनोथर के इन विशेषताओं ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह केवल एक ग्रह है या यह किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है। क्या हम इसके रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? आगे बढ़ने से पहले हमें इन सवालों का उत्तर ढूंढना होगा। ज़ेनोथर की अद्भुत विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद हमारी टीम ने एक नए और रहस्यमय मोड़ का सामना किया। एक रात जब सभी वैज्ञानिक अपनी अपनी गतिविधियों में व्यस्त थे, तब अचानक एक अज्ञात सिग्नल हमारे उपकरणों पर प्राप्त हुआ। सुनो, क्या तुम यह सिग्नल सुन रहे हो? यह बिल्कुल अलग है। यह कोई सामान्य सिग्नल नहीं है। यह सिग्नल ज़ेनोथर से आ रहा था और यह एक विशेष आवृत्ति पर था। क्या यह एक संदेश था? क्या यह किसी प्रकार का संवाद था? यह सवाल हमारी सभी चिंताओं को बढ़ा रहा था। सिग्नल को डिकोड करने के लिए हमारी टीम ने अपने सभी संसाधनों को लगाया, लेकिन हर बार जब हमने इसे समझने की कोशिश की, यह और भी जटिल होता गया। मैंने देखा है कि यह सिग्नल बार बार दोहराता है। क्या यह किसी प्रकार की भाषा हो सकती है? हमें इसे रिकॉर्ड करना होगा। क्या यह एक संकेत था? क्या ज़ेनोथर के जीव हमें बुला रहे थे? ये सोचकर सभी वैज्ञानिकों में उत्सुकता और चिंता बढ़ गई। अगर हम इस सिग्नल का अनुसरण करते हैं तो क्या हम ज़ेनोथर के जीवों के संपर्क में आ सकते हैं? क्या यह हमारे लिए खतरा हो सकता है? इस प्रश्न के जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने फैसला किया कि हमें इस अज्ञात सिग्नल का अनुसरण करना होगा। लेकिन क्या हम तैयार थे? हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा।
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक अनजान दुनिया में हैं। सभी ने मिलकर निर्णय लिया और हम एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार थे। जेनॉथर के जीवों से पहला संपर्क करने का समय आ गया था। क्या हम सच में जेनॉथर के जीवों के संपर्क में आ सकते हैं? यह रहस्य अब हमें और भी करीब लाता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि हर कदम हमें और अधिक रहस्यमय बनाता है। हमारे संपर्क के प्रयासों के बाद जेनॉथर के जीवों से कोई सीधा उत्तर नहीं आया, लेकिन हमें इस सिग्नल में छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश करनी थी। क्या यह केवल एक अंधेरा रहस्य था या कुछ और? मुझे लगता है कि इस सिग्नल में कुछ गहरा है। हर बार जब हम इसे डिकोड करते हैं तो एक नया पैटर्न उभरता है। सिग्नल का एक पैटर्न उभरता है जो बार बार दोहराता है, लेकिन यह पैटर्न साधारण नहीं है। क्या यह एक संदेश है या चेतावनी? यहां एक अजीब सी ऊर्जा है। जब हम इसे अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह ऊर्जा खुद को बदलती है। यह किसी प्रकार की संचार प्रणाली हो सकती है। क्या ये जीव हमारे संपर्क की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या हम उनके विचारों को समझने के लिए तैयार हैं? यह सभी के लिए एक बड़ा सवाल था। जब हमारी टीम ने जेनॉथर की सतह की गहराई में प्रवेश किया तो हमें कई रहस्यमय संरचनाएं मिली। क्या ये संरचनाएं किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं? यहां की चित्रकारी एक कहानी कह रही है। क्या यह एक चेतावनी है या किसी खतरे की ओर इशारा कर रही है? हमारे सामने कई प्रश्न हैं। क्या ये जीव दोस्ताना है या दुश्मन? क्या हम उनके साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं या हम केवल उनके लिए विदेशी हैं? जैसे जैसे हम इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, सिग्नल और भी जटिल होते जा रहे हैं। क्या यह एक संकेत है कि हमें लौट जाना चाहिए या यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? हमें तय करना होगा। क्या हम इस रहस्य का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या हम जेनॉथर की गहराइयों में उतरने का साहस कर सकते हैं? इस अद्भुत ग्रह के रहस्यों के सामने हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। क्या हम अपने डर को पार कर पाएंगे या यह यात्रा हमें असुरक्षित कर देगी? यह सब हमारे हाथों में है। जेनॉथर की गहराइयों में छिपे रहस्यों को सुलझाने के प्रयासों के बाद हमारी टीम ने एक नई समझ विकसित की। क्या हम केवल एक ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं या यह कुछ और है? एक जीवित सांस लेने वाली दुनिया? मैंने इसे पाया। सिग्नल में एक पैटर्न है जो प्राकृतिक घटनाओं के साथ मेल खाता है। यह सब जेनॉथर के जीवों के साथ संवाद करने का एक प्रयास हो सकता है। हमने महसूस किया कि यह संवाद केवल तकनीकी नहीं था, यह एक भावनात्मक और प्राकृतिक जुड़ाव था जो हमें जेनॉथर के जीवों के अनुभवों और संवेदनाओं से जोड़ता था। क्या यह संभव है कि जेनॉथर के जीव भी हमारी तरह सोचते और महसूस करते हैं? क्या उनकी दुनिया हमारी दुनिया से भिन्न है या समान? हमने अपनी सभी सीमाओं को पार किया है। यह केवल एक ग्रह नहीं है, यह एक समग्र इकोसिस्टम है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन के सभी रूप एक दूसरे से जुड़े हैं। जेनॉथर हमें एक नई दृष्टि दे रहा है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो हमें जीवन के महत्व और प्रकृति के सामंजस्य को समझने में मदद कर रहा है। क्या हम इस समझ को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? हमें जेनॉथर से जो ज्ञान मिला है उसे हमें साझा करना चाहिए। यह हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी एक संदेश है। हम सभी को एक दूसरे की जरूरत है। इस समझ के साथ हमारी टीम ने निर्णय लिया कि हमें जेनॉथर के जीवों के साथ एक सकारात्मक संबंध स्थापित करना होगा। हमें उन्हें यह बताना होगा कि हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? क्या हम जेनॉथर के रहस्यमय जीवों के साथ एक नई दोस्ती की ओर बढ़ सकते हैं? हमें अपनी यात्रा को जारी रखना होगा। यह एक मौका है जो शायद हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। हमें आगे बढ़ना है और इस अद्भुत ग्रह के साथ नई दोस्ती की नींव रखनी है। जेनॉथर पर हमारी यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हम अज्ञात से दोस्ती कर सकते हैं? यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।